नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल जनता बोल में। आप सभी के साथ मैं हूं पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। रोहतक छेड़छाड़ मामले की हम बात करेंगे, लेकिन बात अब कुछ आगे करेंगे। इस मामले में एक और वीडियो सामने आया है। इन्हीं लड़कियों ने पहले भी दो और लड़कों की पिटाई की। ये घटना हुई थी रोहतक के सिटी पार्क में, उसका भी सेम ऐसा ही वीडियो बनाया गया और सरकार 26 जनवरी को इन लड़कियों को सम्मानित भी करेगी। जनता को इन दोनों मामलों में क्या लगता है? हमने आपके सामने दो तस्वीरें दी। हम अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है, आपको क्या आभास हो रहा है, क्योंकि यहां पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हर बार के इंसिडेंट्स में ये वीडियोग्राफर कहां से आ जाता है, हर बार की इस मार धुनाई दे धनादन के अंदर ये वीडियो कहां से बन जाता है, इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। आपकी नजर से देखना चाहते हैं इस पूरे मामले को, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इन दोनों वीडियोस में कुछ बातें कॉमन है। पहली बात यह कि दोनों वीडियोस में लड़कियां मारते हुए दिख रही हैं। दूसरी बात है कि लड़के जो छेड़छाड़ कर रहे हैं या जो अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं, वो वीडियो में ना तो कहीं से सुनाई दे रहा है और ना ही कहीं से दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लड़कियां अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है वो जरूर दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, और जो धुनाई हो रही है वो तो यकीनन कल आप सब लोगों ने देखी। और जो नया वीडियो सामने आया वो भी हम आपको दोनों तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सिटी पार्क की घटना भी दिखा रहे हैं और बस की पिटाई भी दिखा रहे हैं। रविंद्र हमारे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? नमस्कार मैम। नमस्कार रविंद्र जी। मैम, ये बहुत एक खूबसूरत एग्जांपल है कि हमारा देश चल कैसे रहा है। जी, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। देखो, सारे पिलर्स कैसे काम कर रहे हैं हमारे। आप ध्यान से देखिए, जनता कैसे काम कर रही है, पिलर्स कैसे काम कर रहे हैं। जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि राइट सीकिंग बिहेवियर कितना कमाल का काम कर रहा है इस देश के अंदर। ड्यूटी सीकिंग बिहेवियर बेचारे की आफत खड़ी कर रखी है। वो सरकार में होगी तो उसकी आफत आ जाएगी, कहीं पर भी होगा ड्यूटी सीकिंग बिहेवियर की आफत खड़ी कर रखी इन्होंने। लड़के के रूप में देखो, सरकार के रूप में देख लो इनको, इनको कहीं पर भी देख लो आप, ड्यूटी सीकिंग बिहेवियर की आफत है इस देश के अंदर। ये बिना 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 तंत्र के चल रहा है। जैसे समाज को कहते हैं ना कि समाज का, समाज को हम लेके चलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बोला था कि समाज ऐसा होता है कि इसमें जो उसका सिर है उसको ब्राह्मण बोला था और उसकी भुजाओं को, समाज की भुजाओं को बोला था कि क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं कि जात से क्षत्रिय है, पैदा होने की क्षत्रिय है ना, इनके अंदर गुण जो क्षत्रिय के होंगे, इनके अंदर गुण जो है ब्राह्मण के होंगे, और जो वैश्य वो पेट होगा। पेट का मतलब कि वो वैश्य वाले गुण जो है वो पेट उसको बोला है, और जो पैर बोले हैं समाज के उन लोगों को, वो गुण के साथ जो बहुत मेहनती लोग होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। आप इस मुद्दे पर आप लोग क्या राय रखेंगे? दोनों वीडियोस सामने आए हैं, दोनों वीडियोस में काफी कुछ कॉमन आया है। आप इन दोनों वीडियोस को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय रखिए। आपको आभास क्या हो रहा है इन तस्वीरों को देखकर, हम वो जानना चाहते हैं। रोहित हमारे साथ इस वक्त है। रोहित, क्या कहना चाहते हैं आप बताइएगा। रोहित जी बताइए। रोहित जी, हेलो। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं, दोनों पक्ष क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हमने दोनों पक्ष के लिए आपको मौका दिया। हाँ जी मैम। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पहले भी वीडियो आया है तो आप बस के लोगों को सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? जो वहाँ पे लोग थे उनसे आपके लिए बोलते, सच में हुआ क्या? रोहित जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया कि वो लोग भी बोले जो उस वक्त चश्मदीद थे, जो आई विटनेस थे, जिन्होंने देखा कि पूरी वारदात हुई किस तरह, क्योंकि अभी तक कोई खुलकर सामने आ ही नहीं रहा। तो ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन हाँ आपकी बात को आप लोग सुन रहे हैं। क्या आभास हो रहा है, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और बिल्कुल हम दोनों पक्षों की बात भी करें। प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। सुनील जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप टीवी पे ये वीडियो दिखा रहे हो ना, जी पहले वीडियो दिखाया है इन लड़कियों का, उसके अंदर एक लड़का तो बिल्कुल पीछे खड़ा है इनके, जी, और दो लड़के आपके माध्यम से ही दिखाई दे रहा है, दो लड़के आगे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़का जो जिसकी लड़कियां पिटाई कर रही है, वो बैठा हुआ है उस बेंच पे या जो भी वो जगह थी, वो लड़का उठ के चलता, जबरदस्ती धकेलती है लड़कियां उसको, फिर वो उठ के चलता है वहां से। आपके माध्यम से दिखाई दे रहा है वो लड़का बिल्कुल भी कभी मार पिटाई नहीं कर रहा, ये दोनों बहनें जबरदस्ती उसकी पिटाई कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, मेरे घर पे बेटी है और मैं समझता हूँ हमारे समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं बिल्कुल गलत है, शर्मसार करने वाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा कसूर जो है लड़कों का ही हो। मेरी तो राय है मैडम,
कि इस पूरी घटना दोनों घटना सही घट रही है, वो लड़के कौन था जो इनके पीछे खड़े थे, कौन इनके वीडियो बना रहा था, इस घटना की पूरी जांच होगी और जांच होने के बाद ही सरकार इसको। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका। तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं, इसलिए दोनों वीडियोस हम आपको भी दिखा रहे हैं कि क्या लगता है इस मुद्दे पर। जर्नैल हमारे साथ इस वक्त है, जर्नैल जी क्या कहना चाहते हैं? जर्नैल आप हैं हमारे साथ? चलिए, शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन हम आपसे आपकी बात जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात हो रखी क्योंकि उतना वक्त नहीं है आज, हम चाहते हैं कि आप तमाम दर्शक अपनी बात को रखें। रविंद्र हमारे साथ हैं, एक बार फिर से क्या कहना चाहते हैं रविंद्र? आज मैम वो मेरी लास्ट लाइन आपने करने नहीं दी है, मैं लास्ट लाइन में ये कहना चाह रहा था कि आज हमारे सिर नहीं है समाज का सिर मिसिंग है, पता है आपको जी, उसको आपने बाबा बनने का कर दिया है। वो रूल रेगुलेशन को जो पसंद करने वाले लोग हैं उनको तो आपने उसको एक तरह एक साइड पे कर दिया, बाबा बना दिया सबको आपने देश के अंदर। तो ये देश की हालत है आज, ये सब राइट सीकिंग बिहेवियर वाले लोग ना जो ये बदतमीजी में आए हुए हैं, सबके सब बदतमीजी कर रहे हैं, इनको कोई शर्म आया खत्म है इन सब लोगों की, और ये सभी पिलर्स के साथ यही चल रहा है इस समय देश के अंदर। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, लेकिन हम आज सामाजिक पहलुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन दो तस्वीरों की हकीकत की बात करें कि आपको क्या आभास हो रहा है, आप सिर्फ कम शब्दों में वो साझा करें आज। राम सचदेवा हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। राम जी क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? नमस्कार जी। नमस्कार राम जी। चलो मान लो ये गलती है, चलो मान लो दोनों का वो है जी, आज महिलाओं आयोग के साथ चले गए, आज महिला आयोग को जान लाया जब हमने बिल्कुल करना है, या देश का प्रशासन दूसरी घटनाओं के जिम्मेवार है ही है। आज कविता जैन मंत्री कहते थे, मंत्री कहते हैं जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को किस किस जागरूक होना चाहिए, ये तो मंत्री किसने बनाया है, मंत्री किस वास्ते है जी, सरकार तो उनके चलती है, जनता की कोई चलती है, जनता को कौन मानेगा जी। चलो ये तो चलो जीत है या सच है, लेकिन आपके तो नहीं होना चाहिए ना कम से कम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका, आपने अपनी एक राय रखी, आपकी अपनी निजी राय है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों उन्हीं लड़कियों की हैं जिन्होंने बस में, जिन्हें मर्दानी की अब संज्ञा दी जा रही है, जिन्हें मर्दानी कहा जा रहा है हरियाणा की। इस दोनों तस्वीरों को, इन दोनों वीडियोज को देखकर आपके जहन में क्या कहा आता है, अपनी बेबाक राय रखिए। नवीन हमारे साथ इस वक्त है, नवीन जी क्या कहना चाहते हैं बताइए। नमस्ते जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, ये जो खबर है ये बिल्कुल झूठी दिखा रखी है, जो ये लड़कियां हैं, ये लड़के को हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी और वहां पर भी इनका करेक्टर ऐसा ही था, ये लड़कों से पिटाई करती थी, उनसे मारपीट करके उनसे पैसे छीनना, यही काम उनका था। यहाँ पे दिखा जा रहा है कि एक तरफ लड़कों को मारपीट रखी गई है, उसके बाद उनसे छीने और इन्होंने उनको छोड़ दिया। पहले ये वीडियो कहाँ पे था? ये वीडियो 2 तारीख को क्यों आया था? इससे पहले बना था वीडियो, तो पहले आना चाहिए था ये वीडियो सामने। बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका जुड़ने के लिए। तो एक पहलू ये भी है, और ये पहल सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी ने ही की है, हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए ना तो हम ये कह रहे हैं कि अगर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो सही है, वो जायज है, जो गलत है वो गलत है, अगर लड़कियां गलत है तो वो लड़कियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो लड़के गलत है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है फिलहाल में। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सच सबके सामने आए, और यही वजह है कि हम आपका जो आभास है, जो आप इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं, वो जानने की कोशिश करें दोनों तस्वीरों को देखने के बाद। तो जुड़िए हमारे साथ 01143214321 पर। नीलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? नमस्कार नीलम जी। मैडम मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी जो वीडियो दिखाई गई है जी, देखिए उसमें वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि लड़कियों की गलती है, क्योंकि लड़का बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, और अपने बचाव के लिए मैं देखो थोड़ा बहुत हाथ भी लगाता ही है जी जी बिल्कुल, चाहे कोई भी हो जी। तो देखिए सच्चाई सच्चाई है सामने आनी चाहिए, चाहे वो लड़कों की है चाहे लड़कियों की, क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी खुद मैं एक लड़की हूँ, तो लड़कियां देखो ये साफ गलत कर रही थी जी, तो बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। और ये लोग मतलब ज्यादातर ये बोल रही है दबंग है आगे, मतलब और जो गलत काम करती है वो भी लड़कियों को बढ़ावा मिल जाएगा चीजें तो जी। तो यही कहना चाहूंगी, जो सच्चाई है उसी को आप आगे लाइए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी मामला कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है, तो हम यही चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच है, इसलिए हमने दोनों तस्वीरों को दिखाया। एक तरफ हम आपको बता दें कि पूरा जो आसन गांव है इन लड़कों का जिन पर ये केस दर्ज हुआ है वो थाने के बाहर बैठा है, दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आती है जिन पर लड़कियों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगता है। ये सब देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है, अपनी बेबाक राय रखिए। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त है नवीन, रवीन क्या ख्याल है आपको बताइएगा आज के सवाल पर? हेलो नवीन जी बताइए। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैडम जी मैं तो लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ। बताइए।
बसों में कैमरे लगने चाहिए जी, मैंने ऑफिसर के सैलरी भी उठाए थे जी, बसों तो में कैमरे होंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग होगी, सुरक्षा होगी जी। नवीन जी ठीक है, सुरक्षा के लिए इंतजाम होने चाहिए, लेकिन आज के सवाल पर क्या कहना है आपका? आज के सवाल में तो ऐसा है जी, जो जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको गलती किसकी नजर आ रही है, वही तो हम जानना चाहते हैं। ऐसा है जी, गलती तो लड़कों की है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, इनकी नजर में लड़कों की गलती। तस्वीरें आपके सामने, जो सच आप महसूस कर रहे हैं वही बताइएगा हमें। मुकेश हमारे साथ जुड़ गया, मुकेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, आपको बताना चाहूंगा जी, जो ये लड़कियों का दूसरा वीडियो आया है ये कहीं ना कहीं लड़कियों की ओर गलत इशारा कर रहा है, क्योंकि एक वीडियो के साथ दूसरा वीडियो आना, ये बार बार इन्हीं के वीडियो बरामद होना, ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का जो चक्कर लग रहा है और शरीफ बच्चों को फंसाया जा रहा है। और अगर इसमें प्रशासन को चाहिए और खासकर मीडिया का भी जो योगदान है, मीडिया को भी चाहिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर लड़कियों का कसूर है तो लड़कियों को भी अंदर डालना चाहिए और लड़कों को भी अंदर डालना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हम अपनी भूमिका कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ठीक ढंग से निभाए। जैसे ही हमें पता चला कि इस पूरे केस से रिलेटेड दूसरा वीडियो है, हम उसको लेकर भी आपके सामने आए। हमने एक पक्ष नहीं रखा, हमने दोनों पक्ष अब आपके सामने रखे हैं। हालांकि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एक इमेज अभी तक ना बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक इमेज बन जाती है वो भी केस को कमजोर कर देती है। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? हेलो, हाँ जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त हमें? मैं बलवान बोल रहा हूँ मैडम जी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बलवान जी नमस्ते जी। मैडम जी पहले गर्व तो मैंने उन दो लड़कियों को मेरी तरफ से सलूट है मैडम जी, बहुत लड़कियों को जी। दूसरा नंबर मैडम जी, जितना वो तीन लड़के कसूरवार है, उतने ही जितने ही बस में यात्री बैठे थे उसके बराबर वो भी कसूरवार है, क्यों उन्होंने लड़की की रक्षा नहीं की जी? सभी लड़कियां अपनी माँ बेटी के समान होती है, कोई ऐसा नहीं जी किसी की पराई है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ में, देखिए हम आपसे सिर्फ सच जानना चाहते हैं, ना हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन लड़कियों को गलत साबित करें, ना हमारा ये उद्देश्य है कि हम उन लड़कों को सही साबित करें। सही और गलत का फैसला तो आपके करना है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ भेद करना चाहते हैं कौन गलत है कौन सही है, वही हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बताएं क्या कहना चाहते हैं। अजय जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? अजय आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? चलिए जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। कुछ और कहना चाहते हैं? जी चलिए बहुत शुक्रिया, आपका पक्ष जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। अनिल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अनिल क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? अनिल सुन पा रहे हैं आप हमें? अनिल क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम जी। जी अनिल क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैडम जी देखिए, एक तरफ से प्रथम से जी एक तरफ से बोलते अनुमति पहले थी लड़कियों, ये जो हम वीडियो देख पा रहे हैं इसमें ये देख पा रहे हैं लड़के कुट रहे लड़कियां, मतलब इनको मार जी, ये तो बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन इस बात का क्या सबूत है जी, लड़कों ने कुछ गलती की थी या नहीं की थी? इससे अगर कोई भी लड़की साजिश के तहत कुछ सकती तो उसकी तो उसकी पैन है जी, वो तो कुछ भी कर सकती, लड़कों की इस बारे में सुनवाई नहीं है नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। अनिल ऐसा आपको लगता है कि कानून में लड़कों की कोई सुनवाई नहीं है? कानून हमेशा कोशिश करता है कि बेशक एक गुनाहगार बच जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, ये हमेशा कानून में लिखा गया, संविधान में भी ऐसा लिखा गया है कि बेशक एक अपराधी बच जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। और हम भी यही चाहते हैं कि जो आरोपी है वही पकड़ में आए, ना कि जो बेगुनाह है वो पकड़ में आए, हम कोशिश भी यही कर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। विक्की जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? आवाज पहुंच रही है विक्की जी आप तक? विक्की जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो बात रखिएगा। चलिए शायद हमारा संपर्क उनसे फिलहाल टूट चुका है, लेकिन फोन लाइंस हमारी लगातार खुली हुई हैं। हम बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आज आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हम दो तस्वीरें आपके सामने रख चुके हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अब इनमें से सच्चाई क्या नजर आ रही है, और वही सच्चाई हम आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर दिलबाग हमारे साथ में इस वक्त हैं, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सेकंड वीडियो आपने दिखाया है और लोगों ने ये कहा कि ब्लैकमेलिंग का लगता है, ऐसी कोई बात नहीं, लड़कियां दो हैं, लड़के अगर आप देखें क्या लड़के हैं जी। और रही बात ये
कि ये जरूरी नहीं है कि लड़का जो है लड़की को हाथ लगाए तो ही है। लड़के इतनी बदतमीजी करते हैं, हम रोड देखते हैं, पार्कों में भी देखते हैं, बाहर घूमते हैं, बैठते देखते हैं, तो ये कहना कि भाई लड़की तो किसी लड़के ने उसको हाथ लगाया नहीं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इतना बेरोजगी, इतनी गंदी गालियां देते हैं कि हमारे से तो सुन ही सकते हैं। पर यह कि चलो, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये लड़कियां ने बड़ा अच्छा काम किया, पहला वीडियो तो सारी वीडियो तो ये कहना गलत है बिल्कुल कि ये कोई जानबूझ के ऐसा किया गया है या ब्लैकमेलिंग की बात है, सब नॉनसेंस। चलिए बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका। देखिए हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने, अगर सच्चाई, देखिए कार्रवाई तो हो ही रही है लड़कों के खिलाफ में, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि अगर गलती जरा भी किसी की भी है तो सजा उसको होनी चाहिए। मोहनलाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनलाल जी क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मेघा जी और पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता टीवी का दोनों वीडियो दिखाने पर धन्यवाद, आपके पारदर्शिता से प्रस्तुत किया है जी। दूसरा वीडियो दिखाने से शक्ति और इशारा हो रहा है जी। मेरा मानना है कि हरियाणा सरकार ने दोनों को सम्मानित करने की घोषणा जल्दबाजी में की है। जब तक आरोप साबित न हो जाए जी। तब तक सम्मान प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यही नहीं है कि लड़के हमेशा गलत होते हैं, कई बार हमारी बच्चियां भी उत्तेजित हो जाती है। मैं ये यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि इनके साथ कोई बेइंसाफी हो, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। हमेशा ये बात समाज भी जानता है कि हमेशा जो शक होता है वो लड़कों को दिया जाता है और लड़के ही शक के दायरे में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज को भी सामने आना चाहिए। देखो पास में कोई भी आदमी इसकी गवाही नहीं दे रहा, कोई भी आदमी बस में इसकी गवाही नहीं दे रहा, ये हमारे लिए बहुत असत्य बात है। बिल्कुल। नारी व पुरुष में कौन कितना ऊंचा होता है यह तो गुणों के आधार पर ही तय होता है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी। मोहन जी कल अगर हमने लड़कियों का पक्ष उठाया कि कोई बस में नहीं बोला, तो आज हम वही बात भी कर रहे हैं कि अगर लड़के भी गलत हैं या लड़कियां कुछ भी गलत हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे लोग। हमारा यही मेन हमारा मकसद इस कार्यक्रम को करने का यही है कि जो आरोपी है वही पकड़ में आए, जो बेगुनाह लोग हैं वो बच जाए। राजेंद्र हमारे साथ है नेक्स्ट कॉलर। राजेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं बताइए। नमस्ते जी। सर मैम कहना चाहता हूँ कि अगर ये दोबारा वीडियो आया तो कुछ ना कुछ संदेश आता करता है और मेरी नजर से तो ये लोग तीन पकड़े उन पर अच्छी कार्रवाई के साथ मुकदमा जानकारी के तहत ही पकड़ने चाहिए। अगर निर्दोष है तो उनको बहुत ही गलत होगा कि उनकी सर्विस भी खतरे में जा सकती है। मेरी नजर इसलिए मैं हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ कि इस जांच के तहत ही कार्रवाई करे, अन्यथा इन लड़कों का भविष्य खतरे में जा सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए भविष्य में अगर वो लड़के सही हैं तो बिल्कुल भी उनका भविष्य नहीं जाना चाहिए गलत में, लेकिन अगर उन्होंने गलती की है तो वो सजा के भागीदार हैं। हम यही आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तस्वीरें हम आपके सामने रख चुके हैं, इनको देखकर अब आपको आभास क्या हो रहा है। उन प्रत्यक्ष दर्शियों से भी अपील है कि वो भी हकीकत को बयां करें हमारे सामने। इस खास कार्यक्रम में जुड़िए हमारे साथ। प्रणेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अगले दर्शक क्या कहेंगे आप? हाँ मैम, मैं यह कहना चाहता हूँ आपने जो तस्वीर दिखाई है ना जी, इसमें साफ दिखा है कि लड़कों की गलती हो या लड़कियों की गलती हो, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज हुई है। ये लड़कियां हैं देखो पढ़ी लिखी है, ये तो है नहीं की अनपढ़ लड़की है जी, इनको ये चीज मार पिटाई की बजाय उन लोगों को सामने लेके पुलिस में जाना चाहिए था, ना कि इतनी बेईमानी के लड़कों को मारना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लड़कों से ज्यादा यदि कसूरवार हैं तो ये लड़कियां हैं। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीरेंद्र जी। तो बीरेंद्र जी को ऐसा लगता है, जीन से हमें फोन करें, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों का भी कसूर है। इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बस की घटना भी हम आपको दिखा रहे हैं, सिटी पार्क में जो कुछ हुआ वो भी हम आपको वीडियो जिस तरह से हमें मिला उसी तरह से हम आपको वीडियो बिल्कुल सीधा आपको दिखा रहे हैं। आपको इन दोनों वीडियोज को देखकर क्या लगता है, क्या कुछ समझ में आता है? अपनी बेबाक राय रखिए। कसूरवार ठहराने का हक ना हमें है ना आपको है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ने करना है, कानून ने कार्रवाई करनी है। एक और दर्शक हमारे साथ में है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? श्यामलाल जी बताइएगा। टीवी सेट के वॉल्यूम को एक बार कम कर दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी हमारी। मैं टीवी की आवाज बंद कर की बिल्कुल ही। चलिए बहुत ही शुक्रिया, बताइए। नहीं आया अब तक। आपका नंबर आ चुका है, बताइए। हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बताइए, कहना क्या चाहते हैं?
तो मेरी बच्चियां मेरी बहने आप जी, आप मेरा धन्यवाद जी आपको पहला देश चैनल से। जी जी बताइए कहना क्या चाहते। तो मेरी बच्चियों ने बहुत अच्छा काम किया जी, मेरी 58 साल की उम्र है। अरे इनको दंड होना चाहिए इन बच्चों को तीनों को जी, ये जो 3 लड़का ने ये काम किया इनको दंड मिलना चाहिए सख्त जी। और चलिए बहुत शुक्रिया, देखिए बहुत ही शुक्रिया आपका। देखिए हम एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने जो बातें दूसरी तरफ से भी सामने आ रही वो भी आपके सामने रखा, जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपके सामने रखी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए हमें क्या लग रहा है आपको। नवीन जुड़ गए अगले कॉलर हमारे साथ, नवीन जी क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मीडिया भी कई बार जल्दबाजी कर जाता है, जैसे मीडिया ने एक तरह से इसको ऐसे व्यू करके दिखा दिया कि भाई गलती लड़कों की ही है, कहीं ना कहीं हम ये नहीं मान सकते कि गलती लड़कों की है, क्योंकि प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आपको जी। और अकेला फिर अगर मैं तो यही कहूंगा, अगर लड़कों की गलती है तो उनको सजा, अगर लड़कियों की है तो उनको सजा होनी चाहिए, दोनों तरफ से हमें एनालाइज करना चाहिए। और एनालाइज करते ही कोई डिसीजन लेना, जैसे आज तक वाले हैं वो जाके डायरेक्ट घर पे जाके जो ले आते हैं, और उनको इतना मतलब एक तरह से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। इस मामले में कहीं ना कहीं एक चीज और निकल कर आ रही है कि सभी ने काफी जल्दी की, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो दूसरा वीडियो सामने आया उसके बाद जनता भी एक बार सोचे, मीडिया भी एक बार सोचे, और कहीं ना कहीं पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। रविंद्र जी हमारे साथ हम दिखते तो क्या है और है क्या हम जी। देखो हम दिखावे पे विश्वास करते हैं। आपको मैं जब आपने कल ये चलाया था तब मैंने आपको ये बोला था, आपको दिखने पे मत जाइए, आप ऑडियो भी देखिए, जब तक कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं होती है वो अनएथिकल होता है, वो भ्रष्ट होता है तंत्र। अब आप कहते हैं कि हमारे ये जो तंत्र बना हुआ ही अंग्रेजों ने बनाया था गुलामी के लिए, वो भी तंत्र हम चला रहे हैं वो। चलिए आपकी आवाज बहुत ब्लास्ट होकर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, इसलिए आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। सवाल लगातार बरकरार है, 01143214321 हमारा नंबर है, फोन लाइंस लगातार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुली हुई है, जुड़िए हमारे साथ। नफे सिंह जुड़ गए अगले कॉलर हमारे साथ, नफे सिंह जी क्या कहेंगे आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार नफे सिंह जी। ऐसा जी, ये अंदर है लड़के लड़कियों का झगड़ा क्या कसूर है जी? सबसे बड़ी जो बात क्या है, छोटे छोटे बूढ़े हैं, टुंडों का बच्चा, ड्राइवर कंडक्टर को आम नागरिक पीठ से जब प्रशासन नहीं करता, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर तो बेकार में इन्होंने बलि का बकरा बनाया ना जी, इनका तो कसूर नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नफे सिंह जी। नफे सिंह जी ने ड्राइवरों और कंडक्टर की बात की, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उस बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर था उसे भी सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि मामला अभी चलेगा, उसके बाद जो परिणाम निकलेगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार क्या किया जाए, फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ये एक सच्चाई है। एक और दर्शक हमारे साथ है गौरव। गौरव आप क्या मानते हैं बताइएगा। जी मैडम नमस्कार, मैं ये मानता हूँ कि ये जो लड़कियां ने किया है इसको मैं टाइटल देना चाहूंगा लेडी दबंग, हरियाणा की लेडी दबंग जी। और इन लड़कियों की जो आप वीडियो दिखा रही हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इस वीडियो से और लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, वो बात एक और है कि हिम्मत मिलेगी, जाहिर सी बात है आज इन लड़कियों ने पीटा है, कल को और लड़कियों को हिम्मत मिलेगी कि अगर कोई गलत करे हमारे साथ में तो हम उसको किस तरीके से जवाब दे सकते हैं मुंह तोड़। लेकिन अगर कोई गलत करे ही ना उसके साथ में गलत हो जाए, ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि गलत होना ही सबसे बड़ी गलती यहां पर है। और इसीलिए हम ये सवाल लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए, क्योंकि एक पहलू ये भी निकल कर सामने आया इसका कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही पहलू को उठाया जा रहा है, तो हमने इन दोनों वीडियो को उठाया और आपके सामने रखा, और आपसे हमने इसका दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश की। यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि ड्राइवर और जो कंडक्टर है उनको बिना बात की सस्पेंड किया गया, उनको बलि का बकरा बनाया गया, कुछ लोगों ने कहा कि वो लड़के भी सही हो